Hello students, the second topic of our chapter first is the diversity in the living world. ठीक है, अब diversity in the living world को हम किस नाम से जानते हैं? Biodiversity के नाम से. ठीक है, approximately world के अंदर अगर हम लोग बात करें, अब तक जितने भी countries हैं जहाँ पे जितने भी अब तक discoveries हुई हैं उनके according सिर्फ 1.7 से 1.8 million जो living organisms हैं वो discover हुए हैं, और ये total discover का 2 से 5% ही माना जाता है कुछ अलग ऑथर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डाइवर्सिटी को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर टर्म्स आती है कि क्या टर्म्स हैं, तो टर्मिनोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं इसके अंदर. फर्स्ट वन आती है सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक का मतलब क्या होगा? हर एक चीज सिस्टम से चलेगी. ठीक है, कि जैसे क्लास हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे पहले प्री नर्सरी नर्सरी हुई, प्री नर्सरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक सीरीज बनेगी. ठीक, वैसे ही यानी कि एक ऑर्डर चलेगा. ठीक है, तो इसको जो दिया था वो दिया था अपना सिम्पसन. ठीक है, सिम्पसन ने इसको दिया था ये जो टर्म थी सिस्टमैटिक. तो ये इसने क्या बताया कि एक ये टर्म है या एक ब्रांच है साइंस की जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जितने भी डिस्कवर होते हैं हमारे, ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म का एक कंपैरेटिव कंपेयर करना. ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है या जो आया है दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी क्या डिसिमिलैरिटी वो पता लगाना. इवोल्यूशनरी का मतलब इवोल्यूशन से. ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जो आया था सबसे पहले अर्थ, अगर हम लोग बात करें प्लांट्स के लिए बात करते हैं तो प्लांट्स में सबसे पहले आया अपना थैलोफाइटा. ठीक है, थैलसलाइज स्ट्रक्चर. थैलोफाइटा जो था उसके अंदर क्या कुछ चेंजेस आए, उस चेंजेस के अकॉर्डिंग फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन से प्लांट आए थे अपने प्रायोफाइटा. ठीक है, हम इनको जो है अपना कंसिडर करते हैं. आगे देखिए इसके अंदर क्या हो जाएगा. इसके अलावा वर्ड दे रखा है इसके अंदर एनाटॉमी. एनाटॉमी का मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर क्या हैं, कैसे हैं, हम उसको स्टडी करते हैं किसके अंदर? एनाटॉमी. फिर आता है टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी का मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, भाई हमारे घर में कोई भी इवेंट होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी पूरी अरेंजमेंट देखते हैं कि भाई प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं सारी चीज़ें हमारी. तो ये हमारा दिया था कैंडोल ने 1813. ठीक है, ये ब्रांच है जो डिस्कवर करती है कि भाई टैक्सोनॉमी किसने दी, क्या प्रिंसिपल था. ठीक है, वे क्यों दिया, किस लिए दिया, क्या प्रोसीजर था. प्रोसीजर का मतलब कि कैसे करेंगे हम उसको, पहले आइडेंटिफाई करेंगे उस चीज़ को. ठीक है, उसके बाद नॉमेनक्लेचर उसका नामकरण करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन देते हैं कि ये किस कैसे है, इसकी पूरी एक सीरीज हम देते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन जिसको बोला जाता है. अगला आ जाता है अपना क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होगा कि ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी डिफरेंसेस के बेसिस पे. तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा आता है हमारा? किंगडम, फाइलम और डिवीजन. देखो दो अलग अलग वर्ड लिखे हैं, फाइलम एंड डिवीजन. फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर एनिमल्स. ठीक है, और डिवीजन वर्ड यूज़ किया जाता है फॉर प्लांट्स. ये डिफरेंस आता है दोनों के बीच में. फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशी. यानी कि स्पीशी क्या हो गया हमारा? लोअर मोस्ट. ठीक है, तो ये जो हमारी टर्म है यहाँ से नीचे से ऊपर अगर हम लोग जाएँ स्पीशी से लेकर किंगडम तक, तो एक क्लासिफिकेशन की हायरार्की, एक पूरी की पूरी सिक्वेंस है कि कैसे हम उसको अरेंज करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ? नेमिंग, भाई नामकरण करना. ठीक है, भाई घर में एक न्यू बॉर्न बेबी है तो न्यू बॉर्न बेबी का हम लोग क्या करते हैं, एक नामकरण करते हैं जिससे पता चले कि हाँ भाई इसका नाम क्या है. ठीक है, तो ठीक वैसे ही हमारी बॉटनी या जूलॉजी के अंदर, ठीक है, ये हम लोग बात करें कि हमारे बायोलॉजी के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी नेमिंग की जाती है, उनका नाम लिखा जाता है कि भाई इसका क्या नाम है, कैसे पहचानेंगे. ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, इट इज़ द साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड प्रॉपर. डिस्टिंक्ट क्यों बोला? अलग होना चाहिए. प्रॉपर क्यों बोला? कि स्पेसिफिक होना चाहिए. ये नहीं कि भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम हम दूसरे को दे दें, अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हैं क्लासेस के अंदर 2 या 3 स्टूडेंट के सेम नेम हो जाते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है. फिर हम क्या करते हैं, उनके सरनेम से उनको डिस्टिंग्विश करते हैं. इफ़ द सरनेम इज़ नॉट देयर तो हम लोग क्या करते हैं, उनके एडमिशन नंबर देख लेते हैं, लाइक वाइज दैट या रोल नंबर के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ईजिली उनको रिकोगनाइज करना एक दूसरे से अलग करके, दिस इज़ कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर. ठीक है, अब देखो जैसे इसके अंदर मैंने कर रखा है मस्का डोमेस्टिका. ये हाउस फ्लाई है, कॉमन नेम है हाउस फ्लाई का. ठीक है, यानी कि हमारी जो घर की मक्खी है, ठीक है, वो हाउस फ्लाई, उसका साइंटिफिक नेम होगा मस्का डोमेस्टिका. यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखने वाली है कि मैंने M कैपिटल लिखा हुआ है, D यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है कि हम लोग जब भी नेम लिखते हैं साइंटिफिक नेम, तो जीनस का नाम हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और स्पीशी का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल. ठीक है,
ऐसे ही मैग्नीफेरा इंडिका, ये मैंगो का है, तो यानी कि जहाँ पे भी हमें लिखा मिलेगा मस्का डोमेस्टिका की अंडो छुड़े वो हाउस फ्लाई के लिए है, और मैग्नीफेरा इंडिका जहाँ पर भी लिखा जाएगा वो किसके लिए हो जाएगा, अपना मैंगो। अगला आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन की फाइंड करना, एक नया ऑर्गेनिज्म आया। देखो जैसे एक्स वाई जेड कोई तीन है, या हम लोगों ने ले लिया कि सपोज हमारे पास एक फ्लावर है, ठीक है। अब वो फ्लावर जो है उसके हमने देखे कि उसके जो पेटल्स हैं उसके सिक्स, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने देखी उसकी पिस्टल कि जो उसकी पिस्टल है वो बाइफर्केटेड है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि उसके जो सीड्स जो बनते हैं उस प्लांट के, वो सीड बेरी यानी कि हमारा जो बेर होता है उसे रिजेंबल करते हैं। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक क्या करे डाल दिए, हमारा जो डाटा ऑलरेडी फीड है उसके अंदर, उसमें से डाल के जब हमें लगा कि ये तीन जो ऑलरेडी गिवन फ्लावर थे एबीसी जो भी हमारे फ्लावर थे, जब हमने देखा कि ये उन फ्लावर्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लावर था ये न्यू आ गया हमारे लिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है की का मतलब होता है कि कैरेक्टर्स, एक कैरेक्टर्स, ये जो है हमारी एक टेक्निकल टर्म भी होती है, टैक्सोनॉमी के अंदर आती है कि भाई हम ऑर्गेनिजम्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये भी आता है इसके अंदर। लिस्ट ऑफ अल्टरनेट कैरेक्टर्स अरेंज इन सच अ मैनर दैट बाय सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन, यानी कि जो कैरेक्टर हैं सिमिलर हैं उनको सिलेक्ट करें, जो सिमिलर नहीं उनको एलिमिनेट बाहर निकाल दें। वन कैन ईजिली आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म एज टू इट्स नेम एंड पोजिशन, उसकी नेम और पोजिशन के अकॉर्डिंग, यानी नेम और पोजिशन। देखो जो अभी हमने किया था कि मस्का अगर नाम आ रहा है किस में जाएगा, हाउस फ्लाई में, ये एक एनिमल के अंदर चला गया। मैग्नीफेरा इंडिका आ रहा है किस में जा रहा है, मैंगो में, यानी कि एक प्लांट के, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जब हम लोग किसी भी की पॉइंट को स्टडी करते हैं तो उसमें सबसे पहले कपलड वर्ड यूज़ करेंगे। कपलड का मतलब कि जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि कैरेक्टर का, जैसे हमने लिया कि मान लो एक प्लांट के लिए बात करते हैं, पेटल्स का नंबर कितना है, ठीक है, तो पेटल्स का हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे यहाँ पे कि इसमें कितने पेटल हैं, इसमें कितने पेटल हैं, ठीक है। अब पेटल के साथ फिर हमने लिया कार्पल, एक कार्पल कैसी होगी उसकी, उसको हम लेके चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईच स्टेटमेंट ऑफ द की, हमने जो भी स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं इसको आइडेंटिफाई करने में, समझाने में, दैट आर कॉल्ड एज लेट, ठीक है, हम इसको लेट बोलेंगे या लीड बोलेंगे इसको। आगे देखें इसमें, अब जो कीज़ हैं हमारी वो दो तरह की होती हैं, ठीक है। इंडेंडेंट की, ये वो की होंगी जो एक सीक्वेंस, एक चॉइस बताएंगे हमें कि कौन कौन से करेक्टर्स हमको लेने हैं, ठीक है। करेक्टर्स कौन से, जैसे मान लो एक हम एनिमल की बात अगर करें, एक एनिमल के पास टेल है, उसकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं, उसकी बॉडी के ऊपर फैदर्स भी हैं, तो ये हो गए हमारे इंडेंट करेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेटेड करेक्टर, ये वो कंट्रास्टिंग करेक्टर हैं जो इंडेंट करेक्टर, यानी कि इन करेक्टर्स को अलग अलग करते हैं। भाई हेयर्स हैं बॉडी पे, तो क्या पूरी बॉडी पे है या हाफ बॉडी पे है, फैदर्स हैं तो कैसे हैं, स्मॉल हैं, लार्ज हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं ये आ जाएंगे हमारे ब्रैकेटेड के अंदर, ठीक है। अब चलो इनको हम लोग एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल से भी। उसके बाद और वर्ड इसके अंदर हमारा यूज़ होता है वो है सेपरेट की। सेपरेट की का मतलब कि भाई टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो हमने भी क्लासिफिकेशन की थी कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, उसकी फैमिली, क्लास, जीनस, इन सबको उठा के देखना, दिस इज कॉल्ड एज अ सेपरेट की। उसके बाद आता है हमारा एनालिटिक, एनालिस करना। एनालिसिस किस बेसिस पे करेंगे, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी, दो ही कैरेक्टरिस्टिक उठा सकते हैं हम लोग, ठीक है, या तो ऑर्गेनिज्म सिमिलर है या डिफरेंट हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा हमारा, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा होगा स्किन या हेयर कलर्स ले लिया हमने, स्किन कैसा, हेयर ले, हेयर के कलर्स कैसे आ रहे हैं उसके, ठीक है। तो जो सब डिवाइडिंग कैरेक्टर्स हैं उनको जब हम लोग लिखते हैं किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में बनाने के लिए, देन ऑलवेज दे आर इंट्रोड्यूस इन द ब्रैकेट फॉर्म, उनको ब्रैकेट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। अब इसमें देखिए इंडेंट कैरेक्टर जैसे मैंने ले लिया कि कार्पल प्रेजेंट है, लीव्स हैं, पेटल्स हैं, ठीक है, और लीव्स विदाउट टेंड्रिल्स, टेंड्रिल का मतलब दिस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो प्लांट्स के अंदर बनते हैं, अगर ये करेक्टर्स हैं तो वो हमारा क्लेमेटस प्लांट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया कि पेटल्स हैं, जो पेटल्स हैं उनका नंबर है 3, ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पे ये लिखा कि 3 लीफ मॉडिफाइड, यानी कि थर्ड जो लीफ होगी, यानी कि 1, 2 और 3, तीसरे नंबर की जो लीफ होगी इसकी, ये मॉडिफाइड है टेंड्रिल के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने ले लिया कि अल्टरनेट लीव्स हैं, यानी कि एक लीफ यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, चौथी यहाँ पे, ऐसे अल्टरनेट चल रही है एक के बाद एक के बाद एक,
ये कैरेक्टर से किसके आगे, हमारे एनिमल के। ठीक है, अब हमारे पास जो नया प्लांट हमने यूज़ करा है उसका ले लिया हमने कि कार्पल सिंगल है, हमने क्या करा है इसको जीनस नंबर 2 में डाल दिया, यानी कि हमने यहाँ पर जो ये जीनस स्टडी कर रहे हैं हम लोग क्लेमेटाइज एनिमल जो हैं, हमने इनको सपोज नेमिंग दे दी सबको कि भाई जो है ये फर्स्ट नंबर का है, ये सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का है, फोर्थ नंबर का, हमने जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो सपोज मैंने उसको डाल दिया कि सेकंड जीनस के अंदर जाएगा। ठीक है, फ्रूट है, बेरी फ्रूट बना रहा है वो, तो ये फोर्थ कैटेगरी के अंदर डाल दिया मैंने कि भाई ये इस कैटेगरी में जा रहा है। बट यहाँ पे 2 और 4 जो इंडिकेट किए हैं ये उसके डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, जो उसके किसी के साथ भी सिमिलैरिटी शो नहीं कर रही है, डिफरेंट कैरेक्टर। ठीक है, लीव्स अल्टरनेट हैं, ठीक है उसके, तो ये कैरेक्टर से किसका जा रहा है, उसका एनिमोन के अंदर जा रहा है। ठीक है, उसकी लीव्स हैं विदाउट टेंड्रिल, तो क्लेमेटिस का भी कैरेक्टर शो कर रहा है। तो इन सबको स्टडी करके फाइनली हम क्या करेंगे, एक नए प्लांट की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, या इसमें अगर हम लोग मान लें एक और अगर हम लोग एग्जाम्पल इसके अंदर उठाना चाहें, तो जैसे मान लो हम लोगों ने कोई फिश मिली है, ठीक है, तो फिश के हमने पहले देखा कि उसकी टेल कैसे, ठीक है, फिश की टेल कैसे होती है, नॉर्मली इस तरीके से होती है अपनी, ठीक है, ऐसी है कि नहीं है, ठीक है, उसकी टेल ऐसी नहीं है सपोज। अब सेकंड पॉइंट क्या देखेंगे हम लोग, उसकी बॉडी के ऊपर फिन्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिन्स एज आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी फिशेज होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर जो है इस तरीके से अपने फिन्स जो होते हैं वो बने होते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि उसकी बॉडी के ऊपर एक फिन है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं गिल्स, गिल स्लिट है कि नहीं है, गिल्स हैं तो गिल्स की कवरिंग जो होती है गिल स्लिट हम जिसको बोलते हैं वो है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर इस तरीके से अलग अलग ऐसे कवरिंग बनी होती है जिनको हम लोग नाम देते हैं किसका, स्केल्स का। फिर हम ये देखते हैं कि स्केल्स हैं या नहीं है, हैं तो भी से ये गिवन जो पहले से एक फिश है उस कैटेगरी का है, स्केल्स नहीं है तो किसी और कैटेगरी का हो जाएगा। ठीक है, लाइकवाइज दिस हम इसको स्टडी करते हैं। अगला आता है अपना सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है हमारे लैटिन वर्ड से जिसका नाम है सिस्टमा। ठीक है, ये पहले भी हमने स्टडी किया कि ये डील करेगा किसके लिए, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और जो साइंटिस्ट सिस्टमैटिक को स्टडी करेगा हम उसको नाम देते हैं किसका, सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमिस्ट। ठीक है, अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं पहले कि भी इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। ठीक है, सबसे पहले हमारे एरिस्टोटल आए थे जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, इसने कहा कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो लैंड, एयर और एक्वाटिक हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक्वाटिक यानी कि इसने बोला था ये वाटर के ऑर्गेनिज्म है कि जो लैंड के हैं वो लैंड पे रहेंगे, एयर के हैं वो एयर में रहेंगे, वाटर हैं वो वाटर में रहेंगे। लेकिन एयर के अंदर इसने बोला कि बर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स तो ट्रीज के ऊपर रेस्ट करती है, तो ट्री कहाँ पर होगी, लैंड पे। तो हमने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, यानी कि जो और साइंटिस्ट हमने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट। फिर थियोसोफाट आए, ठीक है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, ये बॉटनी और जूलॉजी क्या है भाई, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स को नाम दिया जाता है जूलॉजी को। ठीक है, और स्टडी ऑफ प्लांट्स ये किसको बोला जाता है, बॉटनी को। ठीक है, तो प्लांट्स की इसने कैटेगरी क्या बनाई कि ट्रीज हो सकते हैं, शर्ब हो सकते हैं, हर्ब हो सकते हैं। फिर इसने आइडेंटिफाई किया कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ना शर्ब है ना हर्ब है, तो इसने कहा कि वो क्या हो जाएंगे, अंडर शर्ब्स उसने नाम दिया। ठीक है, उसके बाद आए हमारे जॉन रे। जॉन रे जो थे इन्होंने एक सिमिलर वर्ड दिया स्पीशी का, स्पीशी नहीं कहा इसने, उसके जैसा एक वर्ड दिया कि स्पीशीज होते हैं और स्पीशी क्या होंगे, जिनके करेक्टर उनके पेरेंट्स के बिल्कुल सिमिलर हैं, हम उनको नाम दे देंगे किसका, स्पीशीज। फिर आए थे हमारे कार्लिनस। ठीक है, कार्लिनस जो थे इन्होंने डेवलप किया था साइंटिफिक सिस्टम ऑफ नेमिंग द डिफरेंट स्पीशीज, जितने भी ऑर्गेनिजम्स उसको नेम बताने का, नोमेनक्लेचर का जो मेन हमारा जाता है वो जाता है हमारा किसके लिए, बेसिकली हमारे कार्ल लिनस। ठीक है, तो कार्ल लिनस ने 1753 में अपनी एक बुक लिखी थी स्पीशी ऑफ प्लैनेटेरम, इसके अंदर इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया था। 1758 में इन्होंने एक और बुक लिखी थी, उस बुक के अंदर इसने लिखा था सिस्टमा नेचुरा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।